मेरी यहाँ टीम बैठी हुई है, मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं अब माइक, उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर तारा खेल, ईसा खेल भी, हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है, ईसा अताउल्ला के तराने के ऊपर। और फिर इब्रार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह, मैं दाद देना चाहता हूँ, बड़ा वर्सटाइल है आपका टैलेंट। और अब मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूँ, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका जमान सख्त देने का। अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी, हमारी आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में, तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलहदा नहीं है यूथ। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यूथ विंग, अब यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं मचाना, आराम से सुननी है मेरी बात, आप सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में है, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज 5 वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर लगा, उस रास्ते पर नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है? वो सबसे अल्लाह के महबूब, सबसे अजीम इंसान जो कभी ना इस तरह का अजीम इंसान आया है और ना आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझने की बात है, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो तो अल्लाह बेनियाज है, ये सिर्फ वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो अल्लाह ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, खास तौर पर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है इस चीज का समझना कि हम जब उनके रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी अजमत के रास्ते पे जाते हैं।